क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमें शो करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद लेते हुए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम क्यूब कर देते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू हो रहा है यहां से। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इक्वल्स टू 3, बी की वैल्यू लेट कर लेंगे 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से, ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, एंड आर क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और लेस देन बी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से, ए ए इक्वल्स टू बी की वैल्यू, बी क्यू आएगा तो बी की वैल्यू है 3, 3 क्यू प्लस में आर, और r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारी, r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, r तो 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा, तो 0, 0 तो कंफर्म हो गया, और b से छोटा होना चाहिए, b की वैल्यू है 3, तो b से छोटा क्या क्या होगा हमारा, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, r की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1 और 2। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब अपनी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू r, जब r की वैल्यू 0 होगी, तो व्हेन R इक्वल्स टू 0, देन अवर इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या होगी, A इक्वल्स टू 3Q प्लस में 0। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू 3Q, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब क्यों करेंगे हमें, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, किसी भी जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका क्यूब, तो हम इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब किया हमने और इसका भी क्यूब कर देंगे, तो ए की क्यूब होता है ए की क्यूब, 3 की क्यूब होता है 27 और क्यू की क्यूब, ए की पावर 3 एज इट इज रहेगी, और ये 27 मतलब हम यहां इस इक्वेशन में से 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 के टेबल में 27 कब आता है, 3 क्यू क्यूब पर। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर हमारी ये वैल्यू है, इसको ये क्या है, हमारा कोई इंटीजर है, ठीक है, और हमारा यहां पर भी क्या है, ये m जो है ये इंटीजर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9m। ठीक है, एक तो हमारा प्रूव हो गया कि 9m होता है, जो हम शो करना है 9m हमने शो कर दिया। इसी तरह क्या करेंगे, r की वैल्यू अगर 1 होगी तो, ठीक है, मैं यहां से रब कर लेता हूं, आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ में, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है हमारा ये क्वेश्चन, अगर r की वैल्यू हमारी 1 होगी तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इफ r इक्वल्स टू 1 देन आवर इक्वेशन विल बिकम a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस में 1, इसमें भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा a की क्यूब प्लस में, सॉरी, इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस में 1 की होल क्यूब होगा इस टाइम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी, ठीक है, x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3a बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहां पर, तो a की क्यूब मतलब 3 क्यू की यहां पर करेंगे क्यूब प्लस में 1 की क्यूब प्लस में 3, ठीक है, 3 के बाद क्या आ रहा है, a स्क्वायर मतलब 3 क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1, उसके बाद है 3a, ठीक है, मल्टी सॉरी ये आ जाएगा प्लस में, प्लस 3 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 3q मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 27 q की पावर 3, ये 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो वो वैसा का वैसा रहता है, इसको लिख लेते, इसको इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर
यहाँ पर 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3, 27q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 वही रहेगा, 27q स्क्वायर प्लस में इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3q, 9q मल्टीप्लाई में 1, तो ये एज इट इज 9q ही रहेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 27q की क्यूब प्लस में 27q स्क्वायर प्लस में 9q प्लस में 1। मैंने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जिसकी जिसमें सबसे ज्यादा पावर होती है उसे सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद उससे कम पावर वाला, उसके बाद सबसे कम पावर वाला, ठीक है। तो इसमें से जिस चीज में आपको क्यू दिखाई दे रहा है, यहां से हम ले लेंगे 9 कॉमन, ठीक है। यहां पर आगे पहुंचा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को, यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 9 कॉमन लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 क्यू की पावर 3, इसमें से भी 9 कॉमन लेंगे 27 में से, तो यहां भी बचेगा 3q स्क्वायर, 9q में से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्यू और 1 इसके बाद आ जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है ये होगा हमारा कोई इंटीजर, ठीक है। और यहां पर 9m+1, यहां पर m भी हमारा कोई इंटीजर है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9m+1, ठीक है। ये दूसरी फॉर्म हो गई हमारी, 9m+1 की फॉर्म में भी ये हो सकता है। इसी तरह बिल्कुल हम क्या करेंगे, 9m+8, ठीक है। मतलब r की वैल्यू यहां पर 2 रखेंगे, रब कर लेता हूं मैं आपको, करके दिखा देता हूं, ठीक है। r की वैल्यू यहां पर हम 2 रखेंगे, आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ में, ठीक है। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को आपको दोबारा देखनी पड़ सकती है, दोबारा देखना पड़ेगा आपको अगर नोट डाउन नहीं किया है, या क्वेश्चन को समझिए अपने आप भी, आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे अगर आप समझ जाते हैं तो। अब रखेंगे r की वैल्यू, हमने 1 रख ली, 2 रख ली, मतलब हमारा 9m+1 भी हो गया, हमने कर दिया शो इसे। अब रहता है 2, रिमाइंडर अगर हमारा 2 होगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a=3q प्लस में 2 क्यूब, बोथ साइड क्यूब कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है। और इसको फिर से वही a+b की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, उसे सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 27, इसे पहले फॉर्मूले में लिख लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पर, तो ये हो जाएगा 3q की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर, ए है हमारा 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू है 2, उसके बाद प्लस में 3 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू 3q मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं, 3q की क्यूब क्या हो जाएगा, 27q की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब होता है 8, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27q स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 54q स्क्वायर, तो 54q स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3q 9q मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 4 36 36 क्यू, इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27q की क्यूब, उसके बाद क्यू स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे 54q स्क्वायर, उसके बाद क्यू वाली वैल्यू 36q, उसके बाद 8। अब जहां जहां पर भी आपको क्यू दिखाई दे रहा है, जितनी वैल्यू में भी क्यू दिखाई दे रहा है आपको 27q की क्यूब से लेके 36q तक, इन सब में से हम ले लेंगे 9 कॉमन लेंगे, तो यहां पर बचेगा 3q की क्यूब प्लस में 9 के टेबल में 54 कब आता है 6 जा पर, 6q स्क्वायर प्लस में 36 आता है 4 जा पर क्यू और प्लस 8, ये वैल्यू हमारी एज इट इज नीचे यहां पर आ गई। इसको ये हमारा कोई इंटीजर होगा, ठीक है। यहां पर m भी हमारा कोई इंटीजर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9m+8 की फॉर्म में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है यहां पर, ये हो जाएगा हमारा m। तो हम कह सकते हैं कि दैट
वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 एंड 9m+8। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर अगर उसके हम क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्म में हो सकती है? 9m, 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में हो सकती है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है हमारा, ठीक है। इसको आप फॉलो करते हुए किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। इस मतलब जो भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्यूब करना या स्क्वायर करना, वो सभी क्वेश्चंस इससे ही होंगे। एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मतलब जल्द ही आपको एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है।